जो संत के साथ में बैठा क्या क्या फल मिला है। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें तो विचार। तीर्थ का फल मिलता है, क्या मिलता है, जैसा मानो हम तीर्थ में बैठे हैं, जहाँ संत तीर्थ वास, जिस घर में बैठे तीर्थ है, क्या है, तीर्थ बन गए, जहाँ संत है वही तीर्थ, कहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थों में गंगा में नहाते हैं, पर घर में जब संत आते हैं तब ज्ञान गंगा में नहाते हैं, कौन सी गंगा में, ज्ञान। इसलिए साहब कहते हैं ज्ञान समागम भक्त सुख दया क्षमा विश्वास गुरु सेवा से पाइए अविचल मुक्ति निवास। ज्ञान समागम, संत आते हैं तो ज्ञान का समागम होते हैं, मिलन होता है, क्या होता है, मिलन होता है, मिलन का मतलब होता है जब कोई आदमी मिलता है तो उसकी जो हृदय में जो गदगद होता है ये मिलन वो प्रेम का परिकाष्ठा होता है। इसलिए जब संत मिलते हैं गुरु मिलते हैं तो हम उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। हम समान तो कह सकते भाई कि ये रुपया मुझे दिया, तो ये प्रश्न कि यहाँ रुपया का नहीं है, इसको तो कभी चोर भी ले जाएगा ना, क्या करेगा, पॉकेट मार देगा, खत्म हो जाएगा समान लोग खत्म। परंतु जो तुम्हें उपदेश दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, वो तो आपके पास अमानत है ना, वो आपकी धरोहर है, ये तो खर्चा में चले जाएगी, पर जो हम दे रहे हैं आपका धरोहर है और आपका दिया हुआ खर्चा में लग जाएगा, क्योंकि वो रहने वाला नहीं, वो कागज की नोट हमारे पास रहने वाला नहीं है।